नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। उत्तर प्रदेश की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया सहित शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिल चुका है। लाइव प्रूफ में आप लोगों को बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की आशा आंगनबाड़ी सहित जो भी खबर आएगी सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो आप सभी को पेपर की कटिंग में देखने को मिल रहा होगा, नए साल से पहले मिला मानदेय वृद्धि का तोहफा। जी हाँ, लंबे समय से उत्तर प्रदेश की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की एक ही मांग थी, सम्मानजनक मानदेय, जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका सहित शिक्षा मित्रों के मानदेय में बम्पर वृद्धि की ऐलान किया है। जी हाँ, दिसंबर महीने में आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं शिक्षा मित्र इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में बम्पर वृद्धि का ऐलान हुआ है और सभी के मानदेय में बम्पर वृद्धि होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि नए साल से पहले इन सभी कर्मचारियों को नए साल के तोहफा के उपलक्ष में न्यू स्मार्टफोन दिया जाएगा। यानी हर एक आशा आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है एक न्यू स्मार्टफोन दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपने काम को जो है अच्छे तरीके से, यानी डिजिटल तरीके से कर सकें। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का कहना है सभी कर्मचारियों को अब जो है PADA प्लस स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सभी कर्मचारियों को जो है अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। अब आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सहित शिक्षा मित्रों को जो है 10 लाख रुपए तक का उनके और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों के मानदेय में बम्पर वृद्धि हो रही है। टोटल 5 से 7 हज़ार की वृद्धि आशा आंगनबाड़ियों के मानदेय में होगी और 10 हज़ार रुपये की मानदेय वृद्धि शिक्षा मित्रों के होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।